अक्सर हम ये बातें सुनते रहते हैं कि बासी चीजें नहीं खानी चाहिए क्योंकि इस खाने से आपके शरीर को हानि हो सकती है, साथ ही कई तरह से आपके शरीर में बीमारियों का कारण भी बन सकता है। लेकिन हम आपको बता दें, भले ही ऐसा बासी चीजों के बारे में कहा जाता हो, लेकिन बासी रोटी के फायदे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। अक्सर हमने देखा है कि घर में रोजाना रोटियां बनती हैं, जिसमें 2 से 4 रोटी बच भी जाती है, फिर भी हम ये सोचते हैं आखिर इन्हें कौन खाएगा और उठाकर फेंक देते हैं या फिर जानवरों के सामने डाल देते हैं। मगर आपको बता दें कि अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज से ये करना बंद कर दीजिए। आपको बता दें, जो बासी रोटी हम फेंक देते हैं उसे खाने से आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। वैसे तो हर किसी को ये फायदा हो सकता है, लेकिन ये खासकर उनके लिए है जो दिन भर भाग दौड़ का काम करते हैं और उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है। आपको बता दें, जिनका बीपी हाई रहता है, ऐसे लोग अगर हर रोज सुबह गेहूं की 2 बासी रोटी को दूध में मिलाकर खाएं तो उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और अगर आपको बीपी नहीं भी है तो कभी नहीं होने देता। इसके साथ ही अगर आप बासी रोटी को दूध के साथ मिलाकर खाते हैं तो आपका शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है। और देखा जाए तो आजकल डायबिटीज रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है, इस वजह से हम कई बीमारियों से घिर जाते हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगर किसी के ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है तो सुबह रात की बासी 2 रोटी को फीके दूध में डालकर खाने से काफी फायदा मिलता है और उससे शुगर रोग से मुक्ति भी मिल जाती है। तो वहीं ब्लड प्रेशर की समस्या आज हर दूसरे आदमी को है, चाहे वो उम्र में छोटा हो या फिर बड़ा। तो ऐसे में रात की बची हुई 2 बासी रोटी को ठंडे दूध में डालकर खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। साथ ही आपको बता दें, बासी रोटी को दूध के साथ खाने से शरीर का तापमान भी सही रहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मी में देखा जाता है कि हमारे शरीर का तापमान अधिक बढ़ जाता है। अगर ऐसे में इस उपाय को किया जाए तो शरीर का तापमान सही रहता है। हाई बीपी के साथ साथ अगर आपको पेट की समस्या है तो बासी रोटी को दूध के साथ खाने से पेट की हर समस्या का इलाज संभव है। वैसे भी कहा जाता है सारी बीमारियों का घर पेट होता है, तो ऐसे में अगर हमारा पेट खराब होगा तो हम कई बीमारियों से घिर जाते हैं। तो वहीं अगर किसी की पेट में एसिडिटी, जलन या फिर पाचन क्रिया सही रूप से कार्य नहीं करती है तो ऐसे में बासी रोटी को दूध में डाल